भाई इस पे चिड़िया लगी हुई है, ये देखो, ये देखो भाई क्या दमदार आवाज़ है, काफ़ी शानदार। ये देखो भाई चिड़िया कितनी कैसे ऊपर नीचे हो रही है, इससे एक तो पानी वानी की सेफ्टी है ऊपर। नमस्कार सन भाइयों, राम राम भाइयों। आज जिन किसान साथी के यहाँ पे आए हैं उनके पास है एस्कॉर्ट का 335। भाइयों काफ़ी साफ कंडीशन ट्रैक्टर है, इस ट्रैक्टर के बारे में पूरी पूरी जानकारी लेंगे। भाइयों बुजुर्ग किसान साथी हैं जो इस ट्रैक्टर को चलाते हैं, पूछेंगे इस ट्रैक्टर के बारे में, कब ख़रीदा था, क्या क्या काम करते हैं इस ट्रैक्टर से और कैसी परफॉर्मेंस दिखाता है ट्रैक्टर। देख लो भाइयों आप, काफ़ी साफ़ कंडीशन ट्रैक्टर है एस्कॉर्ट का 335। भाइयों वैसे तो ये ट्रैक्टर अभी आना बंद हो चुके हैं, लेकिन जो ट्रैक्टर आज भी पुराने हैं किसान साथियों के पास हैं, प्रॉपर वर्क कर रहे हैं भाइयों ये ट्रैक्टर, और आज भी ज़्यादातर किसान साथी इन ट्रैक्टरों को रखना पसंद करते हैं, तो इसकी खासियत पूछेंगे भाइयों, किस खास वजह से घर पे रखा हुआ है ट्रैक्टर। ये देख लो भाइयों ट्रैक्टर काफ़ी साफ कंडीशन है। तो भाइयों मिलवाता हूँ जो हमारे साथ किसान साथी हैं। अच्छा ताऊ जी इधर आ जाओ एक मिनट। तो राम नाम ताऊ जी। तो ताऊ पहले तो थोड़ा सा अपना नाम पता बता दो दर्शकों को। भाई मेरा नाम सुरंदर है। अच्छा, गांव बड़पुरा है। हाँ, तहसील अनूपशहर और जिला बुलंदशहर। जिला बुलंदशहर से। अच्छा ताऊ अभी जैसे मैं देख पा रहा हूँ आपके पास है एस्कॉर्ट का 335, तो इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी दें, कब खरीदा है ट्रैक्टर। यू ट्रैक्टर तो भाई हमारे पास में एस्कॉर्ट काफ़ी समय से है। अच्छा, मगर ये पीस मैंने अभी एक महीने पहले ख़रीदा है। अच्छा, ये अभी ख़रीद के लाए हो एक महीने पहले ही। अच्छा, और पहले मेरे पास में 84 मॉडल ट्रैक्टर था एस्कॉर्ट। हाँ, तो वो नया ख़रीदा था या पुराना लिया? वो भी पुराना ही लिया था मैंने जो। अच्छा, वो भी पुराना ही लिया। हाँ, तो उसे बेचने के बाद फिर दोबारा से एस्कॉर्ट 335 ले आए। फिर भी मेरा मन इसी में था, मैं इसी को लेकर आया। अच्छा ताऊ ये बताओ, जैसे आजकल नए नए ट्रैक्टरों का चलन है, ज़्यादातर लोग 3 सिलेंडर ट्रैक्टर रख रहे हैं, बड़े बड़े ट्रैक्टर रख रहे हैं, मतलब छोटे ट्रैक्टरों से बचते जा रहे हैं किसान आजकल, तो आपने दोबारा से 335 खरीदा, तो इसमें कुछ खासियत रही होगी, तो उन खासियतों के बारे में बताइए। खासियत तो ये है भाई कि जैसे हम छोटे किसान हैं, हाँ, छोटे किसान के लिए तो ये एक बहुत ही बड़ा फॉर्मूला है। लोग चाहते हैं बचत। अच्छा, डीजल की बचत। हाँ, समय की बचत। बिल्कुल बिल्कुल, उसके आधार पर तो कुछ भी कर लो। उसके आधार पर तो कुछ भी कर लो। हाँ, कितना ही बड़ा ले लो। बिल्कुल बिल्कुल, मगर छोटे और मझले किसान के लिए मैं इससे बढ़िया ट्रैक्टर नहीं मानता। अच्छा, नौका टिलर खींचता है। हाँ, 12-14 की डिस्क की हैरो चला देता है। अच्छा अच्छा, जैसे नौके टिलर पे चलाया करो हो, तो ट्रैक्टर ने कभी ऐसा मतलब ऐसी परेशानी दी हो को, ज़्यादा हीट होकर चल रहा हो, दम तोड़ रहा हो, ऐसा कुछ मामला? ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, केवल ये है कि इसके इंजन की जान के ऊपर बात है। अगर ट्रैक्टर सही कंडीशन में, हाँ, धुआं भी नहीं देगा। अच्छा, जैसे ये 2 सिलेंडर ट्रैक्टर है और इसे 35 हॉर्स पावर बता मैं। हाँ, और आजकल नए 35 हॉर्स पावर नए नए ट्रैक्टर भी आ रहे हैं 3-3 सिलेंडर। हाँ, तो उनसे कहीं दबे तो ना ट्रैक्टर? नहीं। अच्छा, इस ट्रैक्टर से जो पिछले वाला ट्रैक्टर है मेरे पास भाई, हाँ हाँ, उससे मैंने जहांगीराबाद 80-80 क्विंटल गन्ना डाला है। अच्छा जी। हाँ, उससे 80-80 क्विंटल गन्ना ट्रॉले से डाला है। अच्छा, तो उसे और मीलों पे भी गए हैं। अच्छा, जैसे आप लोड पे चलाओ, चलाने में इतना फर्क है, जो 3 सिलेंडर है वो 10 मिनट पहले पहुंच जाते हैं। हाँ, थोड़ा। और हम 2 सिलेंडर या छोटे मार्जिन वाले 10 मिनट बाद पहुँच। हाँ, थोड़ा चाल का अंतर रहता हूँ बस और कोई बात ना। नहीं जी जी जी। अच्छा, जैसे ट्रॉली पर चलाए करो हो। हाँ, और खेत वेत में से भी निकालनी पड़े ट्रॉली, क्योंकि रोड पर तो चलो खींच लिए ट्रैक्टर। हाँ, खेत में से निकालनी बड़ी भारी पड़ जा। हाँ, तो उस समय पे ट्रैक्टर पूरा दम दिखा दे? पूरा दम देता है। अच्छा ताऊ एक चीज़ और बताओ, मैं ये मैंने भी सुनी और आपने भी सुनी होगी कि एस्कॉर्ट की फंसी ट्रॉली और किसी ट्रैक्टर के बस की ना निकालनी, तो ये क्या चीज़ है?
चाल का ही फर्क है कि। अच्छा, चाल का फर्क है। जैसे पिकअप मोटरसाइकिल का ज्यादा हो, एक साथ निकल जाएगी आगे, ऐसे ही ट्रैक्टरों में पिकअप जाते हैं। अच्छा, ये चाल इसकी कम है लेकिन ताकत पूरी लगा दे। अच्छा, इसमें पीछे एक चीज और दिखाओ, जैसे ये गरारियों का सिस्टम दिया है, इसे हब रिडक्शन भी बोलते हैं, ये वाला जो है ये पीछे यहाँ पे, अब तो सीधे एक्सल में आ रहे जाते हैं ट्रैक्टर, तो ये आवाज बहुत करें, ये इसका क्या मामला है? ये ऐसा होता है कि इसमें जब गरारी लूज हो जाती है ना, तब आवाज करें, जब आवाज करती है। अच्छा, इनकी वजह से जोर भी पूरे लगा देता या फिर इसमें इनको कंप्रोमाइज करने के लिए यहाँ एक वो होता है, चक्का बोलते हैं उसको। अच्छा अच्छा अच्छा, उसका कड़ा पिनियन बोलते हैं, कड़ा पिनियन में आवाज होने पर पहियों तक आवाज पहुंचती है। अच्छा अच्छा, जैसे गरारियों का मामला है तो कभी ऐसा डर तो ना लगा कहीं गरारी टूट जाए ज्यादा जोर? नहीं नहीं, ऐसा कुछ ना। जैसा आप पहले से एक दो दांते मिस हमने बहुत चलाए। अच्छा, एक दो दांते गरारियों के भी मिस भी निकले हमने जब ट्रैक्टर खुलवाए। कभी कभी ज्यादा आवाज पे हमें शक हुआ है, तो भी हमें कोई परेशानी ना है। अच्छा, ज्यादा मेंटेनेंस तो ना आता जैसे टूट फूट या कुछ ज्यादा? ऐसा कुछ नहीं है, मेंटेनेंस भी इसका कुछ नहीं। ये तो देसी झोटा होता है। हाँ, बिल्कुल, जो एक तरीका का अपना भैंसा बुग्गी मानो, भैंसा बुग्गी। अच्छा, जैसे लिफ्ट है तो सेंसिंग बढ़िया करे लिफ्ट इसकी? बिल्कुल, लिफ्ट एकदम एक ओके काम करे। और भाइयों एक चीज और बता दूं, इसकी जो लिफ्ट है यहाँ से सेंस नहीं करती, ये यहाँ दिख रहे होंगे, यहीं से सेंसिंग है इसकी, आगे पीछे करके सेंसिंग होती है, ऊपर से कोई सेंसिंग का मामला ना। अच्छा, जैसे ज़्यादा टेलर कट जाए कभी कभी, तो ऑटोमेटिक सेंस करके उठा ले धीरे से, या उठाना पड़े लीवर? लीवर तो लीवर से ही चलता है जो ना, ना जैसे आपने लीवर सेट कर दिया आपने ड्राफ्ट, और कहीं अटक ज़्यादा आ गई, मिट्टी का ढूला आ गया, तो ट्रैक्टर उठा ले ऑटोमेटिक? ऑटोमेटिक उठाता है। अच्छा, ऑटोमेटिक लिफ्ट है। हाँ, वही तो मैं पूछना चाह रहा हूँ भाई, लिफ्ट ऑटोमेटिक अब भी काम कर रही है इसकी बढ़िया लिफ्ट? फिर तो बढ़िया जी भाइयों, देख लो नीचे ही सेंसिंग दी गई है, देख लो। और पीटीओ कैसी काम करे इसकी? पीटीओ एक नंबर काम करे। अच्छा हाँ, अच्छा, पहले अब से पहले जब ट्रैक्टर बड़े बड़े ना है तो ये गेहूं निकालने की कटर वटर थ्रेसर भी चलाए करे, तो तुमने भी चलाया होगा? थ्रेसर खूब चलाए। अच्छा, अभी ये 96 मॉडल है, शुरू में हसनपुर का टेलर वो थ्रेसर चलाया उसने। अच्छा हाँ, बढ़िया खींचे? बहुत बढ़िया। तो ये ढूंढ के लाए था कहीं से, ऐसे ही मिल गया भैया? इधर आ जाओ, किसी चीज को। अच्छा, ये भी संघर्ष से मिला? संघर्ष ही करना पड़ा है, एक जगह तो है नहीं, जगह जगह घूमना पड़ा है, कहीं मिल। कितने दिन में मिला ये ट्रैक्टर? मुझे करीब 1.5 महीने। 1.5 महीने में हाथ लगा? क्योंकि आजकल बहुत कम बचे हैं ये। मैं हरियाणा की तरफ गया, शामली गया, उधर तो एस्कॉर्ट का नाम ही नहीं है। उधर कौन सा ट्रैक्टर ज्यादा है? ज्यादातर आइसर 241, 242, अच्छा 380 भी बहुत कम, स्वराज भी नहीं, अच्छा महिंद्रा, और 333 आइसर ज्यादातर। अच्छा, महिंद्रा और 333 आइसर ज्यादातर शामली साइड मुजफ्फरनगर में। हरियाणा में भी सामने सोनीपत वगैरह में मैं सब में घुमा हुआ हूँ। तो ताऊ, ट्रैक्टरों की जैसे आपके जीवन में शुरुआत कब से हुई घर पे? ट्रैक्टर तो करीब जो है भाई, सन तो मेरे दान नहीं है। हम छोटे से ही थे, 10-5 साल के ही, 5 साल के होंगे तब से हमारे यहाँ। अच्छा, आपके पिताजी लाए होंगे? हाँ, चाचा ताऊ पिताजी हाँ के जमाने से ही ट्रैक्टर रहा है। तो कौन सा ट्रैक्टर था उस टाइम पे? डी टी चौदह नया ही लाए? नया ही था। अच्छा, तो डी टी चौदह के बारे में बताओ, क्योंकि किसान कुछ जाने ना डी टी चौदह के बारे में। डी टी चौदह का ये था कि लिफ्ट में थोड़ा सा सक्सेस नहीं था वो। अच्छा, लिफ्ट थोड़ी बढ़िया काम ना करे? खिचड़ने वाली हैरो, ट्रॉली और पीटीओ का तो इतना मर्द ट्रैक्टर था कि शायद अभी कोई ट्रैक्टर बना नहीं है। अच्छा जी हाँ, आइसर की तो वो तो विदेशी होगा। हाँ, वो भी पोलैंड का ही था। अच्छा, रशियन ट्रैक्टर उसमें पतले पहिए आवे? हाँ तो जैसे पतले पहिए दिए गए उस ट्रैक्टर में, तो खिंचाई कैसी? बहुत बेहतरीन। अच्छा, ट्रॉली उसकी भी नहीं निकाल सकता था कोई। अच्छा जी, ट्रॉली फंसी हुई डी टी चौदह की, किसी मर्द ट्रैक्टर में नहीं थी ताकत जो निकाल जाए। तो बेच दिया वो फिर?
वो तभी बेच लिया, उसके बाद में एस्कॉर्ट पे शिफ्ट हो गए। फिर जीटर भी रखे हैं हमारे परिवार में, घर में जीटर भी रहा है, जीटर अच्छा। एस्कॉर्ट भी रहे हैं। अच्छा, आप कब से एस्कॉर्ट चलाते आ रहे हो? 84 से ही? हाँ, लगभग 70-72 के बाद में आए, 70-72 के बाद में फिर ट्रैक्टर के युग में आए। कुछ टाइम नहीं रहा ट्रैक्टर हमारे पास में, उसके बाद में हम फिर ट्रैक्टर युग में बढ़े तो एस्कॉर्ट लाए, फिर जीटर लिया, फिर एक भाई ने एस्कॉर्ट लिया, अच्छा, फिर मैंने एस्कॉर्ट ले लिया। हाँ, ऐसे ही धीरे धीरे फिर एस्कॉर्ट पे ही चल रहे। अच्छा, आज भी जीटर है। हाँ, 35-22 हमारे पास में एक जीटर है, करीब 80-85 मॉडल ट्रैक्टर है, जीटर भी है। अच्छा, तो ये तो सभी ट्रैक्टर के हो गए विशेषता, कोई एक कमी बताओ जो कमी लगी हो ट्रैक्टर में, कि हाँ ये चीज़ सुधार कर देनी चाहिए थी कंपनी को, जो किसान साथियों को और फायदा होता, ऐसी कुछ चीज़ दिखी इसमें कमी? की तो यही है कि थोड़ा सा इसका डिफेंस में आवाज़ होती है, जो तुम थोड़ी देर पहले बोली। अच्छा अच्छा, हाँ, वो कमी इसकी लास्ट में आती है और वो बहुत ही कम तादाद में जाती है। अच्छा अच्छा, बस वही कमी। अच्छा, एक चीज़ की और कमी बता मैं किसान साथी की, इसकी चाल मंदी है, तो ये मतलब इसके लिए लाभकारी है हानिकारक है, ये चीज़ ये बताओ। तो भैया अपनी अपनी समझ की बात है, सीधी सी बात है। हाँ, कि कछुआ और खरगोश में दौड़ हुई, बिल्कुल, बिल्कुल। है तो खरगोश पिछड़ गया, कछुआ ही जीता। तो ये तो खरगोश और कछुए पे डाल लो। बिल्कुल बिल्कुल भाई, वो देख लो, ताऊ जी ने काफ़ी शानदार बातें बताई ट्रैक्टर के बारे में। 2 सिलेंडर एस्कॉर्ट 335, लगभग 35 हॉर्स पावर ट्रैक्टर है, ये देख लो, और काफ़ी साफ कंडीशन है। अभी इसकी आवाज़ भी सुनवा के दिखाऊंगा, बता रहे हैं लिफ्ट सेंसिंग वगैरह काफ़ी अच्छी काम कर रही है ट्रैक्टर की। 12-4-28 के पीछे वाले हैं, 6-16 के आगे वाले टायरों के साथ ट्रैक्टर है। अच्छा, स्टेयरिंग में पिले विले तो ना ज़्यादा? कुछ नहीं, क्योंकि पुराने ट्रैक्टरों में पिले हो जा। ये देखो, हाँ, ये तो बिल्कुल बढ़िया आज। हाँ, कोई पिले नहीं। जी जी जी, ना हीट हो के ज़्यादा चले, कुछ नहीं, मीटर फ्रेश दिखावे, पहले वाला थोड़ा हीट चले हो। हाँ, वाई काव कमी के कारण मैंने निकालो, क्योंकि रिंग भी डलवानी पड़ती। अच्छा अच्छा, थोड़ा काम था ट्रैक्टर में इसलिए निकाल कर ज़्यादा ये ले लिया। ये कौन सा मॉडल बताया था? 2002 मॉडल। अच्छा, कितने में पड़ गया ये? ये 1,22,000 रुपये। 1,22,000 रुपये में घर आके पड़ गया, बिल्कुल। हाँ, जी, मैं सर्विस करा के, मुझे मैंने सर्विस कराई, सर्विस भी कराई उन्हीं पैसों में। हाँ, तो ज़्यादा महंगा भी ना पड़ा, क्यों जी। हाँ, बढ़िया पड़ गया, अपना काम भी ढकेल रहा। अच्छा, ये टेलर है इसका, ये इधर? हाँ, टेलर है भाई। ये 9-10 का इनका कल्टीवेटर है जिसे चलाते हैं, 16 डिस्क की हैरो पे चला रहे हैं, और टिपलर वगैरह गन्ने की ढुलाई उलाई करते हैं ना ताऊ। हाँ, तो एक बार आवाज़ और सुनवाओ ट्रैक्टर की भाइयों, इस पे चिड़िया लगी हुई है, ये देखो, ये ऊपर नीचे होती है, ये भी दिखाऊंगा अभी। ये देखो भाइयों, क्या दमदार आवाज़ है, काफ़ी शानदार। ये देखो भाई, चिड़िया कितनी कैसे ऊपर नीचे हो रही है। इससे एक तो पानी वानी की सेफ्टी है, ऊपर से कोई पानी मेवे में या बारिश वगैरह में पानी ना जा पाए, और ये जब चलता है तो ऊपर नीचे होती है चिड़िया, काफ़ी शानदार। बंद कर लो, तो ये आ गई, खड़ा कर लो, कर लो खड़ा। तो भाइयों, आज हमारे साथ जुड़े हुए थे ताऊ जी, जो आज भी एस्कॉर्ट 335 चला रहे हैं, और भाइयों अभी दोबारा फिर से एस्कॉर्ट पीछे करो, थोड़ा पीछे, तो भाइयों वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना, और हो सके तो चैनल को भी ज़रूर से सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद।